हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा, मेरे चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप जो प्लांट देख रहे हो इसे फर्न कहते हैं। फर्न वेरियस वेराइटी में आते हैं, जैसे फॉक्सटेल फर्न, बॉस्टन फर्न, बटन फर्न, वेलवेट फर्न और भी बहुत टाइप के होते हैं। एस्पैरागस भी फर्न के ही फैमिली से आता है, जिसमें 4 से 5 वेराइटी होती हैं और टोटल इंडिया में 1267 वेराइटी है जो आपको अलग अलग एरियाज में देखने के लिए मिलेंगे। इसको प्रोपोगेट करना हो तो ये बहुत इजी है। ये प्लांट खुद ही अपने आप को डिवाइड करता है, यानी साइड से इसके बेबी शूट्स निकलते हैं। जब आप इसको रिपोर्ट करो तब आप इसे निकाल सकते हो, और अगर इसे आप ज़मीन में लगाए हो तो फिर तो इजी है उसे निकालना। तो ऐसे करके आप इसके अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो। बात करें इसकी मिट्टी की, तो इसे वेल्डन सॉइल चाहिए, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी खड़ा ना रहे। पानी भी इसको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, चाहे इसकी कोई भी वेराइटी हो, ये रूल सभी में लागू है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये प्लांट ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, यानी इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे लगाओ, पॉट में लगाओ, तब इसकी मिट्टी बनाते हो, तभी इसमें 30% कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। फिर चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, कोई भी हो चलेगा। मेन है इसमें इस प्लांट को किसी जगह रखें, यानी अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट आती है ऐसी जगह रखेंगे तो इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे, और शेडेड एरिया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप भी हो और छाँव हो, यानी सेमी शेड एरिया में, जहाँ सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले, फिर दिन भर छाँव रहे, या फिर किसी प्लांट के नीचे जहाँ इसे धूप भी मिले और छाँव भी मिले, ऐसी जगह है पे ये अच्छे से ग्रो होता है। कुछ इसकी वेराइटी ऐसी आती है जो इंडोर भी होती है। इस प्लांट को आप चाहो तो ज़मीन में लगाओ या फिर गमले में, दोनों में भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। वैसे इसके लिए जब आप पॉट सिलेक्ट करोगे, तब अगर ये छोटा प्लांट हो तो आप छोटा ले सकते हो, मगर मीडियम साइज़ का हो तो इसके लिए 8 से 10 इंच का पॉट ले, क्योंकि ये प्लांट खुद को ही एक्सपांड करता है। इसलिए इसे बेटर होगा कि इसके लिए बड़ा पॉट ही चूज़ करें। वैसे तो मैंने इस पे कोई अभी तक पेस्ट अटैक देखा नहीं, पर जैसे ही समर सीज़न आता है तब इसके पत्तों पे दाने दाने आने लगते हैं, पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो समर सीज़न में इसका खास ध्यान रखें, इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, पत्ते डैमेज दिखे तो उसे निकाल दें, या फिर पत्तों पे दाने दाने आने लगे तो उन पत्तों को निकाल दें, क्योंकि इससे दूसरे पत्ते इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। फर्न एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन को ब्यूटीफुल लुक देता है। तो थी ये फर्न से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड लव प्लांट्स।